तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो कंक्लूजन किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, अल्फा पार्टिकल मतलब स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स जीजर एंड मार्स्डन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और उन्होंने रदरफोर्ड सर को दिखाया। तो पहला बार ने तो रदरफोर्ड सर ने बोल दिया कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फिर भी जब इन्होंने इंसिस्ट किया कि सर आप एक और बार देखिए क्योंकि यहाँ पे कुछ है बातें, तो सर ने दोबारा देखा। तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन बनाया। क्या ये बातें क्लियर है? तो वही कंक्लूजन को हम पढ़ेंगे। ओके, सो जैसे हमने कल देखा था, 10^7 पार्टिकल्स स्कैटर्ड विथ 1 डिग्री एंगल। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स 1 डिग्री एंगल के साथ चले गए। इसका मतलब क्या था कि बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे चले गए, निकल गए, इस पार से उस पार निकल गए। तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट जो कंक्लूजन हमने लिया है हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में से, कि ज़्यादातर पार्टिकल्स निकल गए। तो इन कंक्लूजन क्या था वो ज़रा देखना। मोस्ट स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर स्पेस एटम में एम्प्टी है। क्यों? बिकॉज बिकॉज ओनली ओनली बिकॉज ओनली फ्यू परसेंट स्कैटर्ड विथ मोर देन 90 डिग्री एंगल एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पार्टिकल्स पास्ट विथ लेस देन 1 डिग्री स्कैटरिंग। हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? ज़्यादातर ज़्यादातर क्या होगा? 10^7, समझ रहे हो? 1 करोड़ क्या हुआ है? 1 डिग्री एंगल के साथ ही निकल गए। 1 करोड़ पार्टिकल्स निकल गए। खाली 0.14% पार्टिकल 90 से ज़्यादा स्कैटर हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? खाली 14,000 जो है 90 में स्कैटर हो रहा है, बाकी इतने सारे सीधा निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जगह तो खाली है अंदर के। क्या ये बात है, क्लियर है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी बिकॉज ओनली फ्यू पार्टिकल्स पार्टिकल्स है पार्टिकल्स स्कैटर्ड विथ मोर देन 90 डिग्री एंगल एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ड लेस देन 1 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग। लेस देन 1 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो इसलिए हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का एम्प्टी है। क्या ये बातें क्लियर है? ओके, दूसरा दूसरा हम क्या देखते हैं कि बहुत ही कम रेज, 10 लाख में खाली एक रे वापस आता है। अब ज़रा समझना, अल्फा पार्टिकल के पास क्या है? मास है, ठीक है। एक नाइट इस तरह 180 में वापस आ रहा है, एक मास, और एक मास को ही तो 180 में रिपल्शन करवा सकता है। समझ रहे हो क्या? तो मैं पहले लिख देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सजेस्ट करता है हमें, सजेस्टेड दैट दैट ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर टुगेदर एट वन लोकेशन। हम जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमें दिखता है कि भाई सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक ही जगह एक पॉइंट में होगा, लोकेशन एक पॉइंट में होगा, जिसको हम बोलेंगे सेंटर। डन है? टुगेदर एट वन लोकेशन विच इज एट ए सेंटर विच इज एट सेंटर एंड वी नेम्ड द कलेक्शन एंड वी नेम द कलेक्शन एज न्यूक्लियस। तो यहाँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर में कहीं पे है, मतलब सेंटर में ही है, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ग्रुप है उस ग्रुप को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। क्या बात है, क्लियर है? देयरफोर हमने पहले ही बोला था इलेक्ट्रॉन पे तो मास है ही नहीं, क्योंकि चार्ज के कंपेयर में मास बहुत कम था। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? देयरफोर
मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। डन है, क्योंकि न्यूक्लियस से ही तो वापस गया था इस तरफ पीछे की तरफ, ठीक है क्या। सो मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट एट न्यूक्लियस बिकॉज ड्यू टू न्यूक्लियस ओनली, ड्यू टू न्यूक्लियस ओनली, दैट इज पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन के वजह से ही, ड्यू टू न्यूक्लियस ओनली अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विथ 180 डिग्री एंगल। डन है क्या। ओके अब देखो, इन्हीं हम ए वाला पार्ट जो है ये हम लोग आगे करेंगे, दैट इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर और क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच तब आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली 10^-14 मीटर। समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस का साइज 10^-14 मीटर है, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सजेस्ट दैट एटम हैज अ साइज ऑफ 10^-10 मीटर। सो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, 10^-14 मीटर किसका साइज है आपका, न्यूक्लियस का साइज है, 10^-14 मीटर न्यूक्लियस का साइज है, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था उसके हिसाब से एक एटम का साइज कितना होना चाहिए, 10^-10। इसका मतलब ये अगर एटम है उससे कितना छोटा, उससे कितना छोटा, कितने जीरोस का अंतर है, उससे 4000 जीरोस छोटा कौन है, न्यूक्लियस है। डन है क्या, उससे 4000 टाइम्स छोटा क्या है, न्यूक्लियस है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली हम आगे निकालेंगे इतना है, बट काइनेटिक थ्योरी गैस कहता है कि एटम का साइज इतना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी एंड न्यूक्लियस इज 1/4000 टाइम्स, या फिर सीधा लिख दूँ 4000 टाइम्स स्मॉलर देन एन एटम। क्या बात है, हमें समझ आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। क्यों, खाली लिखा था ना मैंने, खाली 1 डिग्री एंगल में, 1 डिग्री स्कैटरिंग एंगल में 10^7 निकल गए, और 90 डिग्री एंगल में कितने, 0.014% निकले, रिवर्स आए। इसके इससे हम क्या कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली था इसलिए तो सीधा निकल गया, स्कैटर हुआ ही नहीं। दूसरा दूसरा क्या कहते हैं, हमसे हम एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और जो पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन है उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब सीधा वहाँ टकराया तभी वो वापस आया ना, नहीं क्या। तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है हमें कि हम उससे समझ रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट है, जिस कलेक्शन को हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और वहीं पे एक एटम का मास प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पहले कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है ना। नहीं, थर्ड हम देखते हैं, इसी में से निकालेंगे हम आगे कि जो न्यूक्लियस का साइज आता है वो 10^-14 मीटर आता है, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहता है कि 10^-10 मीटर एक एटम का साइज होना चाहिए। सो कुल मिला के हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि जो एक न्यूक्लियस है वो 4000 टाइम्स छोटा है कंपेयर टू एक एटम। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें विजुलाइज करवाऊँ परेशान करवाने के लिए थोड़ा सा, आप यहाँ पे कुछ भी देखते हो ना, अगर आप यहाँ पे एक कोई भी ब्लॉक देखते हो, वुड ब्लॉक भी देखते हो ना, आपको क्या दिखता है कि पूरा एक वुडन ब्लॉक है। असल में ये वुडन ब्लॉक कैसा है, ये अगर एटम होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना के बराबर कुछ है, बस यहाँ पे एक मास है। समझ रहे हो क्या, ऐसे करके ये सब जगह क्या है, लगभग खाली है, यहाँ पे बस चार्जेस हैं, बस चार्जेस, तो यहाँ पे जगह खाली ही रहता है। समझ रहे हो क्या, आप थोड़ा विजुलाइज करने का ट्राई करना कि कैसा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है, ऐसा मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर बना पड़ा है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ ना के बराबर है, अंदर में छोटे 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 चीज़ें हैं।
डने गया। तो ये थे इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन रदरफोर्ड सन ने निकाला था सेकेंड टाइम अपना, जब इंसिस्ट करे थे जीजर और मार्सडन ने, तो उन्होंने ये सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला और इसके बेस में उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को बराबर प्रूफ कर दिया। उन्होंने बताया था अंदर में रहेंगे, ठीक है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, घूमते रहेंगे, अब ये घूमेंगे क्या करेंगे, वो सारे और भी आगे बताएंगे हम, नहीं नहीं क्या। तो यहाँ तक बातें हमें क्लियर है क्या? तो ये थे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, नहीं नहीं तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इंपैक्ट पैरामीटर और आपका अप्रोच क्लोजेस्ट डिस्टेंस का अप्रोच। तो तब तक के लिए गुड बाय।